Hi everybody, a very very warm welcome. This is Sonali Shivlani, and I'm your presenter for the evening. I'm going to be your speaker for the evening, and hum aaj baat karne wale hain labor delivery aur labor delivery mein pain management kaise karna hai in sab cheezon ke bare mein. Ye session kareeban 1 ghante ka hai. तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप यू नो क्विकली बाथरूम विजिट कर लीजिए, अपने साथ पानी की बॉटल रख लीजिए, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर दीजिए, और अगर आपके हस्बैंड आपके साथ अवेलेबल है तो आप अपने हस्बैंड को भी बुला लीजिए. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा. राइट, तो जिस 2 मिनट में हम बस अब शुरू कर रहे हैं तो आप ये सारी चीजें कर लीजिए एंड जॉइन मी बैक इन जस्ट 2 मिनट. ऑल राइट, सो वी आर रेडी टू स्टार्ट एंड वी ऑल्सो हैव डॉक्टर प्रज्ञा हुज जॉइंड अस. मैम, आर यू एबल टू हियर मी? आई एम नॉट एबल टू सी योर माइक्रोफोन बटन. Can we do a very quick sound check? Ma'am, I'm not able to hear you. I think even your video is frozen. Yeah, it's showing that ma'am is offline. All right, so let me at least start introducing the session. I would like to start with saying a very big thank you to Dr. Pragna Pathak for giving us this opportunity of speaking to all of you mamas and papas. And yes, I think ma'am's microphone is now functional. Ma'am, can you please unmute your microphone? It is showing that it is self-muted. So as I said earlier and in my introduction, I am Sonali Shivlani, and I'm a pregnancy and postnatal consultant. I'm going to be talking to you today. Aaj main aapke saath labor delivery aur labor delivery mein pain management ke bare mein baat karne wali hu. ये एक सेशन ऐसा है जो मतलब हर जो न्यू मदर होती है उसको इसके बारे में बहुत फियर्स होते हैं, एंड ये एक फियर मेरे अंदर भी था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी. माय सन इज ऑफ कोर्स नाउ मच ओल्डर, ही इज गोइंग टू टर्न 20 दिस ईयर, सो ये बहुत पुरानी कहानी है, बट नेवरदलेस राइट. मैंने ये इस प्रोफेशन में, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर मोर देन 16 ईयर्स नाउ. And this is something which is a passion for me. I love this. I love speaking to all of you moms and answering a lot of questions. अगर आपने notice किया होगा तो all of you have been kept mute. मतलब आप लोग बोल नहीं पाओगे. जो भी आपके questions हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो आपके dashboard पे एक questions का section है. आप अपने सारे questions वहां पर डाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये सेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, आई विल बी आंसरिंग आपके सारे क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई थिंक डॉक्टर प्रज्ञा इज हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज, सो वी विल वेट फॉर हर टू जॉइन अस. बट टिल देन द होल आइडिया इज दैट लेट अस स्टार्ट गेटिंग यू नो आंसरिंग ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड क्वेरीज रिलेटेड टू लेबर एंड डिलीवरी. ओके, अपना इंट्रोडक्शन तो मैं दे चुकी हूँ. राइट, ये जो सेशन है अलोंग विद डॉक्टर प्रज्ञा हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय कॉर्ड लाइफ. कॉर्ड लाइफ इंडिया की एक लीडिंग स्टेम सेल बैंक है, एंड दे हैव अरेंज्ड फॉर दिस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू मदर्स एंड फॉर अस एज स्पीकर्स टू इंटरैक्ट एंड गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन पॉसिबल रिलेटेड टू लेबर एंड डिलीवरी. So let's start talking about pregnancy. शुरुआत तो वहीं से होती है, right? Generally क्या होता है कि mothers जब 9th month में पहुंचती है, 8th month में पहुंचती है, so they start worrying, oh my god, labor is going to be painful, labor में दर्द होगा वगैरह वगैरह. But एक सिंपल सी बात है, you have to keep in mind कि अगर मुझे कोई भी टास्क करना है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है. जैसे मैराथन हो गया, इफ आई वॉन्ट टू रन द मैराथन, मुझे पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन.
So pregnancy also is your preparation for labor and delivery. ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो डिलीवरी के टाइम पे पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग एट इज अ हेल्दी डाइट. सेकेंड वुड बी रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ योर डॉक्टर. बहुत सारे मिथ्स होते हैं हमारे दिमाग में डिलीवरी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में. तो जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हो, मिथ्स हो, यू शुड गेट देम क्लियर्ड. यू शुड नॉट लिव विद दोस काइंड ऑफ मिथ्स. And last but not the least is a relaxed and stress-free mind. अब इनको एक एक करके टटोलते हैं, एक एक करके इनके बारे में we will have a quick discussion. So पहली चीज जो मैंने mention की वो थी diet. आज पूछती हूँ लोगों से तो people are always very clear that what is healthy, what is not healthy. But let's look at it थोड़ा सा from the pregnancy perspective. Eating healthy is going to help to nourish your baby. Keep you healthy and also to build your immunity. Ma'am is going to be talking to you a little bit about care during the COVID-19 situation. So that is something which, one of the things that is important is following a healthy, nutritious diet. You have to also remember that balanced diet is very important. Yes, I believe that if you eat sabzi roti, so that's of course healthy. No doubt about it. But the problem is that only sabzi roti is not a balanced diet. Sabzi is vegetable, roti is carbohydrate. Ab isme protein kahan hai? Isme calcium kahan hai? So this is what is important. When you are making your meal plan, when you are planning your diet, you should have all of these things in mind. You should have all of these things in place. So whenever you have your plate of food, you have your roti, you have your vegetable, you have a dal or a rajma or a chola or, you know, something like a dal dokli. So that also brings in some protein. And always have either a chas or some curds or some lassi with it. So your balance will, diet will become balanced. The next thing that you have to remember is eat every 2 to 3 hours. Your baby jo aapke andar hai, wo aapke blood se connected hai. Placenta se connected hai, right? Usko to khana 24 ghante mil raha hai. अगर आप रेगुलरली नहीं खाते हो, लॉन्ग गैप्स डालते हो, तो आपका शुगर लेवल बहुत हेविली फ्लक्चुएट होगा एंड दिस इज नॉट हेल्दी फॉर योर बेबी. सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू ईट स्मॉल मील्स एंड ईट एवरी 2 to 3 hours. वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. मतलब दिन में पानी तो आपको विदाउट फेल कम से कम 8 से 10 glass पीने चाहिए. बहुत जरूरी है, हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, ऑल्सो आपकी सर्कुलेशन अच्छी बनी रहती है. And very important is your baby is living in water, amniotic fluid, right? So this is something which is essential. You need to drink plenty of water. आपको अपने prenatal supplements भी लेने चाहिए. मतलब एकदम healthy diet follow किया, फिर भी doctor ने इतनी सारी गोलियां दे दी. General question होता है mothers का. So it's very important कि आप ये prenatal supplements without fail लें. क्योंकि हमारे पास कुछ ही महीने हैं एक परफेक्ट बेबी बनाने के लिए एंड हम ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहते. वी वांट टू मेक श्योर दैट द डेवलपमेंट इज परफेक्ट. सो डोंट फॉरगेट टू टेक योर सप्लीमेंट्स. अगर कोई सप्लीमेंट आपको सूट नहीं करता, डजंट सूट यू, देन प्लीज इंश्योर दैट यू चेक विद योर डॉक्टर एंड चेंज द सप्लीमेंट. डोंट जस्ट स्किप द सप्लीमेंट. ओके, द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट आई हैड मेड वाज रेगुलर एक्सरसाइज. Before I even start talking about it, every pregnancy is different. So it doesn't mean that you should follow everything that is being done on the internet, on YouTube. Yeah, somebody told you to do something, so you're doing that. Don't do that. It is very important that you ask your doctor before you start. Because kai baar hota hai na, squats kar lo, koi bolega, itna walk karna zaruri hai, ye speed pe walk karna zaruri hai. That becomes very risky. So always first check with your doctor. For a healthy pregnancy, exercise will definitely have benefits. It will help to prepare your body for labor. जो aches और pains होते हैं, जैसे back ache हो गया, calf में pain हो जाता है, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं. इससे आप अच्छे से relax भी हो जाते हो, आपके mood अच्छे रहते हैं. It is also going to help you to sleep better. Big benefits, right? There is also research जो बोलता है कि जब mother regularly exercise करती है, उसका baby भी अंदर regularly exercise कर रहा है. Which results in better fetal development. अब और अगर कुछ समझ में ना आए तो the safest exercise is walking.
अगर आप रेगुलरली वॉक करते हो तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए। जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस है ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन अंडर गाइडेंस। सो जो भी एंटीनेटल एक्सरसाइजेस आप देख रहे हैं आपको हमेशा रेगुलर सुपरविजन में ही करनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस लेके, कि आपके लिए आप घर में भी कर सकते हैं लेकिन आपको कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट कर रही है इसके लिए गाइडेंस इज वेरी एसेंशियल। एक्सरसाइज के अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपकी रूटीन में होना बहुत जरूरी है, राइट? लेबर की तैयारी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं दिखा तो रही हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप ही शुरू कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर। जो पहली एक्सरसाइज आप देख रहे हो वो होते हैं स्क्वाट्स। अब अगर आप मेरी फोटोग्राफ जो मैंने दिखाई है वो देखोगे, इट शोज दैट द वुमन इज डूइंग अ हाफ स्क्वाट, शी इज नॉट डूइंग अ फुल स्क्वाट। मतलब पूरा फ्लोर पे बैठने वाला स्क्वाट नहीं हो रहा, ये हाफ स्क्वाट है। जब हम हाफ स्क्वाट करते हैं सो दैट हेल्प्स द पेल्विस टू वाइडन मच मोर एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल। यू कैन डू, मतलब स्टार्टिंग में डोंट स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ स्क्वाट्स, 8 से 10 से 12 काउंट्स आप कर लीजिए रोज। बट देन स्लोली जैसे जैसे आपकी स्टैमिना इंप्रूव होती है, आपकी स्ट्रेंथ डिवेलप होती है, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग मच मोर। जो हमारे रेगुलर क्लासेस होते हैं, द गर्ल्स जो आर कमिंग फॉर रेगुलर क्लासेस एटसेट्रा, दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 50, 60, sometimes even 80 स्क्वाट्स एवरी डे। सो स्लोली यू हैव टू बिल्ड इट अप एंड ऑल्सो विद द डॉक्टर्स परमिशन। द सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑफ योर बटरफ्लाई पोजिशन। अब जब आप बटरफ्लाई पोजिशन में बैठते हो, आई लाइक दिस एक्सरसाइज द बेस्ट ऑफ द लॉट बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल। टीवी देखनी हो इस पोजिशन में बैठ जाओ, फोन पे बात करना है इस पोजिशन में बैठ जाओ, इट जस्ट गेट्स योर एक्सरसाइज डन, राइट? सो सिट इन द बटरफ्लाई पोजिशन हेल्प टू स्ट्रेच योर पेल्विस आउट। दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू मेक द पेल्विस मोर इलास्टिक। अब मैं पेल्विस तो बहुत बोल दिया, थोड़ा पेल्विस दिखा भी देते हैं आपको। सो दिस इज वॉट अ फीमेल पेल्विस लुक्स लाइक। एंड अगर हम ये नॉर्मल पोजिशन है, अगर हम स्क्वाट करते हैं तो ये हो जाता है, राइट? जैसे आप स्क्वाट कर रहे हो तो ये आपका पेल्विस अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप बटरफ्लाई करते हो तो आपका पेल्विस इस तरह हो रहा है और ये साइड पे दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द बटरफ्लाई पोजिशन। ऑल राइट, सो वी आर बैक। द थर्ड एक्सरसाइज जो मैंने आपको इस स्क्रीन पे दिखाई है वो लेग रेजेस है। अब लेग रेजेस करने के लिए आपको साइड पे लेटना है, यू हैव टू ट्राई टू रेज योर लेग एज मच एज यू कैन। तो इस तरह जो आप साइड पे लेटे हुए हो, योर लेग रेज इज गोइंग टू ट्राई टू कम टू 90 डिग्रीज। आप सब जो 8 to 10 काउंट्स एक साइड पे कर लीजिए, 8 to 10 काउंट्स आप दूसरे साइड पे कर लीजिए। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, यू कैन इंक्रीज मोर ऑफ द काउंट्स। सो लेट मी शो यू अगेन जो क्या होता है अगर हम लेग रेज करते हैं, सो सी व्हाट इज हैपनिंग टू योर पेल्विस, राइट? तो जब डिलीवरी इज हैपनिंग, जब बेबी को इसके थ्रू पास होना है, ये जो आपका पेल्विस है वो टाइट नहीं होता, इट्स नॉट टाइट, इट विल बिकम मोर नाइस एंड फ्लेक्सिबल। आई विल बी टॉकिंग टू यू अ लिटिल बिट मोर कि लेबर में और क्या क्या होता है, बट राइट नाउ वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग कि पेल्विस की जब हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं तो इट मेक्स योर लेबर पेन अ लिटिल बिट मोर मैनेजेबल। अब नीचे वाली एक्सरसाइज देखते हैं। यू कैन सी दैट द वुमन इज ओनली सिटिंग, एंड अगर ध्यान से देखोगे तो शी सिटिंग ऑन अ कमोड, शी सिटिंग ऑन अ पॉटी सीट। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ पॉटी सीट, आई वॉन्ट यू टू डू इट ऑन योर बेड। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू पी वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज। बेसिकली आपको इमेजिन करना है कि आपको यूरिन पास करनी है एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप द फ्लो ऑफ यूरिन। तो आप जो मसल्स यूज करते हो टू टाइटन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ यूरिन, आपको वो वाले मसल्स को टाइट करना है। आप उस मसल्स को टाइट करोगे और फिर आप उसको रिलैक्स कर दोगे, अपनी ब्रीदिंग को आप बिल्कुल नॉर्मल रखोगे, अपने एब्डोमिनल मसल्स को आप बिल्कुल नॉर्मल रखोगे। दैट इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको हम कीगल्स बोलते हैं एंड डराऊंगी नहीं, बट आइडियली दिन में कम से कम अराउंड 100 अगर आप करो तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड इवन पोस्ट डिलीवरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है डीप ब्रीदिंग। सो आप एक आराम से मॉर्निंग टाइम इज बेटर, नॉन एयर कंडीशन एनवायरमेंट इज बेटर। आप जस्ट कोई भी कंफर्टेबल पोजिशन में बैठ के डीप ब्रेथ इन, लंबी सांस ऑल द वे टू लोअर एब्डोमिन एंड एक्सहेल। सो दैट्स द मेन आइडिया।
जब आप ये करते हो यू आर स्ट्रेंथनिंग योर लंग्स, यू आर बिल्डिंग योर लंग कैपेसिटी और आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हो, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है। एंड जब आप डिलीवरी कर रहे हो जो पुशिंग हम बात करते हैं ना पुश करने के लिए, तो आपको वहां पर जो स्ट्रेंथ चाहिए वो इस एक्सरसाइज की वजह से आ जाती है। अब लेबर कब शुरू होना चाहिए? आइडियली 37 वीक्स के बाद। 37 वीक्स को हम फुल जॉब मानते हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं जो बोलते हैं कि अगर लेबर 8th मंथ में हो गया तो बहुत रिस्की है, 7th मंथ में हो जाए तो ठीक है, 9th मंथ में हो जाए तो ठीक है। ये गलत है। जितना ज्यादा बेबी इज इनसाइड यू इट इज बेटर, इट इज सेफर फॉर द बेबी, राइट। 9th मंथ लग गया अब कभी भी डिलीवरी हो जाए नो प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं है। 9th मंथ विल स्टार्ट एट वीक 35 एंड वी वॉन्ट द बेबी टू बी इनसाइड फॉर एटलीस्ट 37 वीक्स। तो हमको अपनी पूरी कोशिश लगा देनी है, पूरी कोशिश, ताकि बेबी की डिलीवरी जल्दी ना हो। तकलीफ हमको ये होती है, बेबी को होती है, अननेसेसरीली हॉस्पिटल एडमिशन वगैरह वगैरह ज्यादा हो जाता है, वी डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू बी अलर्ट, बी अवेयर कि अगर आपको लेबर की कोई भी साइंस 37 वीक से पहले नजर आती है तो यू शुड इमीडिएटली कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। घर पे बैठ के डोंट ट्राई घर के नुस्खे, you must get in touch with the doctor immediately. अब लेबर शुरू होने से 48 hours पहले कुछ signs और symptoms आपको दिखते हैं। तो अब आप ये समझिए कि आपकी due date है let's say 1st October और आपको आज ऐसे कोई signs symptoms दिख रहे हैं आपकी due date से just 2 दिन पहले, so it's perfectly all right, right? We are very happy to see these signs and symptoms. So पहला होता है mucus plug. अब ये म्यूकस प्लग समझने के लिए एक और चीज समझाना जरूरी है, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। जो आपका यूट्रस है उसका उसका जो नीचे का भाग है जो वजाइना में ओपन होता है दैट इज कॉल्ड द सर्विक्स। प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योर सर्विक्स इज लॉन्ग थिक एंड टाइटली क्लोज्ड, राइट। तो ये वर्ड याद रखिए, लॉन्ग थिक एंड टाइटली क्लोज्ड। जब ये लास्ट के दिन हो जाते हैं, यू नो जस्ट लास्ट के कुछ दिन बचते हैं, 4, 5, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो ये जो सर्विक्स है अब ये थोड़ा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये शॉर्ट हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, ये सर्विक्स थोड़ा सा खुलने भी लगता है, बट हल्का सा, एंड बिकॉज इट हैज अ म्यूकस प्लग विच इज ब्लॉकिंग इट टू प्रोटेक्ट द यूट्रस एनवायरमेंट, उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना आ जाए, ये म्यूकस प्लग अब गिर जाता है। तो लेबर शुरू होने के कुछ घंटे पहले, बस 2 से 3 दिन पहले ये म्यूकस प्लग गिरने के चांसेस आर क्वाइट हाई। म्यूकस प्लग के साथ साथ थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, बट एज लॉन्ग एज इट इज वेरी लिटिल, पिंकिश ब्राउनिश इन कलर, लुक्स लाइक ड्राइड ब्लड और वेरी लिटिल क्वांटिटी, देन वी कंसिडर इट नॉर्मल। इफ इट इज ब्राइट रेड इन कलर लाइक अ पीरियड, देन यू शुड अगेन गेट इन टच विद योर डॉक्टर। लूज मोशंस या मल्टीपल बाउल मूवमेंट, मतलब बार बार टॉयलेट पास करने का अगर मन हो रहा है, बाहर कुछ खाया भी नहीं है, घर पर ही बैठे हैं, तो ये भी एक प्री लेबर साइन हो सकता है। लोअर बैक में स्पैजम, जैसे मतलब एकदम जकड़ के पेन आता है और फिर वो चला जाता है, एंड देन यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, ये भी एक प्री लेबर साइन माना जा सकता है। अब इतनी सारी चीजें हो रही है लेकिन एनर्जी लेवल्स आर एट एन ऑल टाइम हाई। अगर मैं चाहूँ तो मुझे ऐसा लगे कि मैं पार्टी भी कर लू, घर साफ कर लू, एक्स्ट्रा कुकिंग कर लू, अगर थिएटर वगैरह खुले हो तो मैं मूवी देखने चली जाऊं। ये सारे एनर्जी लेवल्स के साइंस है, राइट। सो अगर इफ यू आर गेटिंग दीज साइंस एंड सिम्टम्स एंड यू आर वेरी क्लोज टू योर ड्यू डेट, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको प्री लेबर साइंस है एंड एनी टाइम नाउ यू विल गो इन टू लेबर। नाउ वॉट हैपन्स वेन लेबर स्टार्ट्स? पहले तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्शन होते क्या है, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शन। जब यूट्रस ऐसे सिकुड़ता है टू ओपन द सर्विक्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स द सर्विक्स ओपन, दैट इज अ लेबर कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा बहुत पीरियड क्रैम्प्स के जैसे फील होता है, बट थोड़ा इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इट इज नॉट एज सिंपल एज ओनली अ पीरियड क्रैम्प। बैक में भी फील होता है, फ्रंट में भी फील होता है, कभी कभी थाइस, पेल्विस, ऑल ओवर, इट फील्स ओवरऑल लाइक समथिंग इज हैपनिंग। आई एक्चुअली से दैट दिस इज नेचर्स वे और गॉड्स वे ऑफ मेकिंग श्योर कि हम अपने आप को स्लो डाउन करते हैं,
कोई सेफ जगह जाके अपने बेबी की डिलीवरी कर लेते हैं, राइट? नहीं तो अगर ये पेन ना होता तो वी वुड बी डिलीवरिंग एनीवेयर, इजंट इट? दैट्स व्हाट विमेन आर लाइक. सो वी आर डिलीवरिंग इन अ सेफ प्लेस. अर्ली लेबर में ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत मामूली होते हैं और उनकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत कम होती है, मतलब एकदम छोटे से होते हैं और बहुत दूर दूर भी आते हैं. सो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है. और जैसे ही आपके लेबर कॉन्ट्रैक्शंस डिलीवरी के नजदीक पहुंचते हैं, हर कॉन्ट्रैक्शन लंबा हो जाता है, करीबन 60 to 90 seconds लास्ट करता है और बहुत जल्दी जल्दी आता है एंड प्लस पेनफुल भी होता है. आई मीन यू विल have to take notice. It's not possible that you can ignore it, right? अगर आप walk around करते हो, कोई activity करते हो, तो you will realize कि आपकी contraction की जो intensity है, वो increase हो जाती है. And this is a sign of a real labor contraction. अब hospital कब जाना है? पहला point ये होगा कि if the contractions are regular, so आप एक chart बना लीजिए, contractions का start time, finish time, कितना time चल रहा है, वगैरह वगैरह. अगर ये करीबन 20 मिनट की दूरी पे आ रहे हैं तो ये भी रेगुलर हो गए हैं एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड गो टू द हॉस्पिटल. सेकंड, अगर आपका पानी का बैग जो है, अमनियोटिक सैक है, वो अगर खुल जाता है, ट्रिकल ऑफ वाटर और गश ऑफ वाटर, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि बेबी का जो स्टेराइल एनवायरमेंट है अब वो खुल गया है, राइट? सो वी डोंट वॉन्ट टेक अ चांस. इवन इफ देर आर नो कॉन्ट्रैक्शंस, यू विल गो टू द हॉस्पिटल. अगर आपको नर्वसनेस फील हो रही है या आपके पार्टनर को डर लग रहा है, मतलब आपके हस्बैंड को लग रहा है कि माय गॉड क्या होगा, लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल, यू विल बी सेफ, तो उसको ले चलिए हॉस्पिटल, इट इज मच बेटर. और अगर आपकी हॉस्पिटल बहुत दूर है, इफ इट इज वेरी फार, ट्रैफिक का टाइम है, पहुंचने में दिक्कत होगी, सो देन इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट ऑफ अ लिटिल अर्ली. जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तो आपको चेक किया जाएगा, विच हैव अ डॉक्टर इज ऑन ड्यूटी, यू विल बी चेक्ड. अगर आपका लेबर रियल है तो आपको एडमिट कर दिया जाता है. अब बस मॉनिटर ही करना है. वील मॉनिटर यू, वील मॉनिटर योर बेबीज वाइटल साइंस, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन लेबर इज अलाउड टू प्रोग्रेस नेचुरली. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इसमें डर की कोई बात ही नहीं है, राइट? हमको कुछ करना ही नहीं है. वी हैव टू जस्ट लेट योर बॉडी डू थिंग्स द वे इट इज सपोज्ड. अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लेबर. अगर सिंपली मैं आपको समझाऊं तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्विक्स खुलता है, पहले शॉर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एफेसमेंट, और उसके बाद वो खुलता है अप टू 10 सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं डायलेशन. जब आप आते हो चेकअप के लिए हॉस्पिटल में विद लेबर कॉन्ट्रैक्शंस और आपके डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं योर वन फिंगर ओपन, दैट मीन्स योर सर्विक्स इज 1 सेंटीमीटर डायलेटेड. ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस आपको बार बार चेक किया जाएगा, और जैसे जैसे आपकी डायलेशन प्रोग्रेस हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर, सो इसको हम बोलेंगे 3 सेंटीमीटर डायलेटेड. टोटली आपके सर्विक्स को करीबन 10 सेंटीमीटर खुलना है, विच इज द साइज ऑफ योर बेबीज हेड. अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है. फिर आता है सेकेंड स्टेज जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर्स आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, मतलब पुशिंग वगैरह तो आपको ही करनी है, आपके यूट्रस को करनी है. यस, वी कैन हेल्प विद द वैक्यूम, द फोर्सेप्स, वी कैन पुट प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द यूट्रस, बट द मैक्सिमम एफर्ट इज स्टिल योर्स. सो कीप सम एनर्जी फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, विच इज द एक्चुअल बर्थ ऑफ द बेबी, जिसमें बेबी यूट्रस के अंदर के भाग से लेके वजाइनल बर्थ कनाल से होते हुए वर्ल्ड में बाहर आ जाता है. अब लेबर खत्म नहीं हुआ, बेबी की डिलीवरी हो गई, बट लेबर इज नॉट डन येट. एंड इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपका जो प्लेसेंटा है, जो बेबी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, बेबी को सपोर्ट कर रहा है अंदर, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह दे रहा है, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसकी डिलीवरी भी ऑटोमेटिकली हो जाती है. आपको फिर से कॉन्ट्रेक्शन होंगी, डॉक्टर एक आध दो और पुश करने के लिए बोलेंगे एंड द प्लेसेंटा विल गेट डिलीवर. बट द गुड न्यूज इज कि ये बड़ा शॉर्ट फेज होता है, रिलेटिवली पेनलेस होता है, एंड आपका ध्यान इतना बटा हुआ होता है टूवर्ड्स योर बेबी दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एज फार एज लेबर इज कंसर्न. यू नो, अब ये हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स परफेक्टली ऑलराइट. अब आते हैं मुद्दे पे, विच इज कॉल्ड द मेन टॉपिक ऑफ द डे, जिसको बोलते हैं लेबर मैनेजमेंट, राइट? मेडिकल मेथड्स तो बहुत है, वेयर यू कैन थिंक अबाउट एन एपिड्यूरल, यू कैन थिंक अबाउट Entonox, you can think about any other form of, you know, pharmacological pain relief.
बट देर आर नेचुरल पेन रिलीफ मेथड्स. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है स्ट्रेस. अगर आप स्ट्रेस टेंशन मुझसे नहीं होगा आई कान डू इट ऐसे वाले थॉट्स अगर आपके दिमाग में रखोगे तो दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कॉजेज पेन. जितना मदर ज्यादा रिलैक्स रहती है उतना कम स्ट्रेस रहता है. हो जाएगा देखा जाएगा सब करते हैं. वेयर इज द प्रॉब्लम इफ यू थिंक लाइक दैट देर इज गोइंग टू बी लेस स्ट्रेस एंड देयरफॉर देयर विल बी लेस पेन. जितना देर इज लेस पेन ऑब्वियसली द मदर विल एक्सपीरियंस अ फास्टर लेबर राइट. एंड द बेस्ट लेबर मैनेजमेंट टूल इज एक्चुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो जो आपके पार्टनर हैं या आपके साथ जो डिलीवरी वगैरह के लिए जा रहे हैं ये चीज उनको पता होना भी बहुत जरूरी है. हाउ टू कीप द मदर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द एंटायर लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस. अब हम आते हैं मैजिक ट्रिक्स पे राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैजिक ट्रिक्स टू मैनेज लेबर दैट साउंड्स फन राइट. हम किसी ने बताया नहीं था कि आज मैजिक शो भी होने वाला है. बट आई एम गोइंग टू टीच यू फाइव थिंग्स जो आपको आपके लेबर मैनेजमेंट में और बहुत ही सिंपल चीज है नथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा पेपर पेन कहाँ है मुझे नोट्स बनाने हैं यू डोंट नीड टू वरी. गॉड लाइफ की टीम विल बी गेटिंग इन टच विद यू टूवर्ड्स यू नो एक दो दिन में एंड दे विल गिव यू अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन राइट. एंड इसके अलावा दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट कूपन. सो देयर इज lot of magic coming your way. But pehle we'll talk about magic tricks to manage labor. Pehla wala is very interesting. Very interesting. It's called avoid screaming. Now when I'm saying avoid screaming, what does it mean? Instead of my trying to explain it to you, what I'm going to ask you to do is do a small exercise with me. Okay? So just sit back. मैंने आपको बोल दिया कि रिकॉर्डिंग भी मिल रही है तो कुछ लिखने की तो जरूरत है ही नहीं. सब साइड में रख दीजिए बिल्कुल आराम से बैठ जाइए एकदम सिट बैक रिलैक्स. देखो मैं भी रिलैक्स होकर के बैठ रही हूँ. जस्ट सिट बैक रिलैक्स. अपने फेस को बिल्कुल न्यूट्रल और रिलैक्स रखिए राइट. अब नेक्स्ट चीज आपको करनी ये है कि आप अपने फेस पे एक स्माइल ले ये बिल्कुल that kind of a smile where you're feeling something nice is happening, something positive is happening, etc. Okay? Wonderful. Now, when you're smiling, think about what your vagina is feeling like. Is your vagina feeling nice, loose and relaxed? Nice and open? Wonderful. Remove the smile. Neutral expression. Now, the next thing I want you to do is frown. Make a nice grumpy face. Now, you're really angry. Right? The maid has not come. Sabzi nahi bani ghar mein. Safai nahi hui. Upar se husband ne yahan wahan gila tolia rakh diya. Ab gussa aa raha hai. Right? Aisa wala face bana dijiye. Think about your vagina. What does it feel like? Does it feel that it's tightening? Yes. Ab ek aur cheez aapko karni hai. We will count to three. And jab main three count karungi, aap apni jagah pe baith ke zor se chillaiye. Waise bhi aap mute ho, usko pata nahi chalega. Try it out. Trust me. And then see what your vagina feels like. Okay? Ready? 1, 2, 3. Got it? Did you try it? Wonderful. जब आपकी vagina आप scream करते हो तो the vaginal muscles tighten up much more. जब आप frown करते हो तो भी vaginal muscles tighten होते हैं. लेकिन जब आप smile करते हो तो आपके vaginal muscles relax हो जाते हैं. तो लेबर में स्माइल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट चलिए स्माइल करना शायद मुश्किल होगा. लेट अस एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड स्क्रीमिंग. अब स्क्रीम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या. वी आर गोइंग टू ब्रीथ. अब ब्रीदिंग के बहुत एडवांटेजेस हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी. लेकिन उससे पहले लेट्स लर्न हाउ टू ब्रीथ ड्यूरिंग लेबर. अब देयर वाज वन डीप ब्रीदिंग दैट वी स्पोक अबाउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है. But labor may breathing has to be a little different. Where we have to breathe in through the nose, blow out through the mouth, and make it really short breaths. मतलब सिर्फ आपके chest तक, right? So मैं आपको instructions दूंगी. हम shoulder contractions करेंगे. We'll do 30 seconds के दो या तीन contractions. Just eyes close के लिए. Don't worry. अब चिल्लाने वाले चिल्लाने की कोई problem नहीं है. यहाँ पे हम चिल्लाऊंगे नहीं अभी. Okay? So just sit comfortably and try this out. Close your eyes. Imagine that you're feeling a contraction coming on
Take a deep breath in. Exhale. Breathe in through your nose. Blow out through your mouth. Short breath only till the chest. Try it, okay? Breathe in through the nose, blow out through your mouth. Keep yourself relaxed. And the contraction is disappearing. Take a deep breath in and relax. Now the contraction is gone. When the contraction is gone, there is no pain, there is no discomfort. So just relax your body. ऐसे मतलब अपने आप को loose छोड़ दीजिए. Labor के time पे भी contractions के बीच में you have to conserve energy. वहां पर आपको ये नहीं सोचना अरे डॉक्टर किधर है, ये कहाँ गए, अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी तक बेबी नहीं आया और कितना टाइम लगेगा, इतना सारा नहीं सोचना. You just keep yourself relaxed and think about yourself positively, think about your baby. बस कुछ ही टाइम में द बेबी इज गोइंग टू बी बॉर्न. ओके, तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं. इमेजिन दैट यू आर गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्शन. टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल. Now breathe in through your nose, blow out through your mouth. Short breaths, only till the chest. And the contraction is disappearing. Take a deep breath in and relax. अब करना हमको ये है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. सो अगर आपका 28th वीक शुरू हो गया है तो प्लीज डू दिस एवरी डे 5 times, ओनली 5 times. एक कॉन्ट्रैक्शन ब्रेथ कर लीजिए 30 to 45 seconds का शुरू शुरू में. देन यू कैन मेक इट लॉन्गर 60 to 90 seconds. फिर 1 minute का ब्रेक ले लीजिए. जस्ट रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी एंड डू इट 4 more times लाइक दैट. ओके, so 5 contraction breath practice every day, and during labor you'll be able to use this for the following benefits. Ek to aapko distract karega kyunki thoda alag hai, it's little different, and wo alag cheez karne ki wajah se aapka jo mind ka focus hai it will go to something else. Secondly, it will give oxygen to your muscles. Koi bhi muscle ko agar oxygen nahi milta to usko pain hota hai, and aapka uterus bhi muscle hi hai, right? So we definitely want to reduce the pain that the uterus is feeling by providing it enough oxygen. It is also going to give oxygen to the baby. Because har contraction ke saath baby ko bhi ek, you know, placenta squeeze ho raha hai, umbilical cord squeeze ho raha hai. So proper breathing will give oxygen to the baby and prevent chances of fetal distress. So ye sari cheezon ki wajah se pain management jo hai aapka wo much better ho jata hai. तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए इज विजिट द बैच. अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपसे बोला था कि आपको लूज मोशंस होंगे, मल्टीपल बावल मूवमेंट्स होंगे लेबर स्टार्ट होने से पहले. ये जो आपका पेल्विस है इसमें 3 organs रहते हैं. द फर्स्ट इज योर बावल्स जो पीछे की तरफ है, उसके आगे हो जाता है आपका यूट्रस जहां से आपका बर्थ कैनाल नीचे उतरता है, एंड तीसरा इज योर ब्लैडर जहां से आप यूरिन पास करते हो. Above is so we have emptied, uterus we are trying to empty, and the bladder you should empty on a regular basis. So har 45 minutes to an hour agar aapko allow kiya jata hai, matlab aapka case agar simple hai, uncomplicated hai, so you will be allowed to use the bathroom. So you can visit the bathroom every hour or so to pass urine. Ab ye jo thoda bahut urine aap pass karte ho usse bladder will become relaxed, bladder will not be distended, and there will be more place for the baby to come out. Ek aur benefit hai, जब हम यूरिन पास करते हैं देयर इज नो वे कि मैं टेंस हो सकती हूँ, राइट? तो लेबर पेन्स बाकी सारी चीजों में अगर आप टेंशन ले रहे हो, बट लेकिन जब आप पी करने जाते हो, जब आप यूरिन पास करने जाते हो, देयर इज नो वे दैट यू कैन बी टेंस, यू विल बी रिलैक्स. सो जब आप यूरिन पास करते हो एक वैसी फीलिंग आती है, राइट? सो एटलीस्ट आप उन कुछ पलों के लिए अपने वैजिनल मसल्स को, पेरिनियम मसल्स को बिल्कुल लूज छोड़ सकते हो. चौथा मैजिक ट्रिक इज दैट कोशिश करके आपको अपराइट होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी मिलेगा.
अब कोई भी चीज अगर मैं ऐसे फेंक देती हूँ तो वो छत से नीचे गिर जाती है, बिकॉज देर इज ग्रेविटेशनल पुल. तो अगर मदर अपराइट रहती है तो देर इज द एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी, जिससे बेबी का हेड जल्दी 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 नीचे उतरने के चांसेस आर मच बेटर. ऑफ कोर्स इफ यू आर टायर्ड प्लीज डू लाई डाउन, मतलब मैंने पनिश नहीं करना है आपको, यू शुड लाई डाउन बट यू शुड ऑल्सो सिट अप. जितना आप अपराइट रहोगे इट इज बेटर बिकॉज द बेबी विल मूव डाउन फास्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मूवमेंट, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव इज ऑफ अ पिलो. अगर आपके घर में पिलो है और आपने उसके ऊपर एक पिलो कवर चढ़ाया हुआ है जो थोड़ा सा टाइट है, आप क्या करोगे अगर आपको पिलो को पिलो कवर से निकालना है? आप ऐसे पकड़ के खड़े रहोगे? नॉट रियली, राइट? आप उसको खींचोगे, आप उसको हिलाओगे, यू विल डू समथिंग टू इट. सो दिस इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका बेबी पिलो है और आपका जो यूट्रस है वो पिलो कवर है, और आपको करना है मूव. चाहे आप वॉक करो, स्क्वाट करो, लंच करो, डांस करो, अगर आप बेली डांस करते हो, इफ यू नो हाउ टू, एंड इट्स ओके, इट डजंट मैटर, वी डोंट रियली नीड टू नो द रियल वे ऑफ डूइंग बेली डांसिंग, बट बेसिकली इट्स पेल्विस मूवमेंट, राइट? तो हम पेल्विस को अच्छे से इस तरह हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेबी इज गोइंग टू मूव डाउन मच फास्टर, राइट? सो ट्राई इट आउट. These are some important things that can help you to manage your pain and to make your labor go a little bit more fast. ये कुछ natural pain relief methods हैं. You need to relax. आपको अपने आप को mentally बोलना है कि मुझे relax रहना है, मैं कर सकती हूँ. India में 12 बच्चे पैदा होते हैं हर second, हर पल, तो फिर क्या problem है? Sorry, not maybe every second, every minute. There are 12 babies born every minute in India. जब इतनी सारी मदर्स डिलीवरी कर सकती है तो व्हाई नॉट मी. आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर याद रखिए, दैट इज वेरी एसेंशियल. मसाज कैन हेल्प एज फार एज लेबर एंड डिलीवरी इज कंसर्न्ड. इमेजरी, मतलब कोई भी पॉजिटिव चीज के बारे में सोचना, या अगर आप कोई भी चीज से अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो, जैसे आप म्यूजिक सुन लीजिए, कोई टीवी प्रोग्राम देख लीजिए. मेरी एक क्लाइंट थी जिसको मतलब फ्रेंड्स का जो सीरियल है वो बहुत पसंद था, एंड she decided that that is what she wanted to watch during her labor, and that's exactly what she did. Matlab us time pe she took the portable baby. Aaj to aajkal to you know we can carry our fire sticks and we can do all that, but at that time she took a portable DVD player and full set of Friends DVDs, and that's what she watched during her labor. So whatever works for you, it's completely your call. ye kuch massage ke positions hai, points hai, jaise lower back hai, which can be very very stressed during the labor. So जो आपके partner है, आपके husband है, या अगर आपकी mother है या sister है, जो आपके साथ labor में आपके साथ है, she can help with these things. Neck or shoulders also very sensitive. कोई कोई mothers को abdominal massage, but लेकिन abdominal massage बिल्कुल gentle होना चाहिए. Please don't put lot of pressure. And just to revise, relax, breathe, use massage. Think about positive things and try to distract yourself. अब last question जो address होता है वो होता है खाने पीने के ऊपर. Can I eat and drink during labor? इतने घंटे, 24 घंटे बोला मुझे labor चलेगा, तो मैं क्या करूं उस टाइम पर? मुझे खाना चाहिए, पीना चाहिए? पहली बात तो please ask the doctor, क्योंकि ये हर केस के ऊपर dependent करता है. In case अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, लेबर इज प्रोग्रेसिंग नॉर्मली, द डॉक्टर विल लेट यू ईट एंड ड्रिंक. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लीज डोंट ईट लार्ज मील्स. मतलब ऐसा नहीं है कि द डॉक्टर ने सेड ईट यू पूरा 10 course 7 course मील खा लिया, भर भर के डिजर्ट भी खा लिया, और उसमें फिर क्या हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है. और अगर बाई चांस अगर इमरजेंसी सर्जरी करनी है तो इट कैन बिकम रिस्की. इसके अलावा वट यू शुड डू इज सिप ऑन वॉटर, और अगर आइस चिप्स अवेलेबल हो, जो जनरली नहीं होते, यू शुड सप ऑन आइस चिप्स. बट अगर आइस चिप्स नहीं है तो ठंडा पानी, दैट कैन ऑल्सो वर्क वेरी वेल. व्हाई एम आई सेइंग वाटर? बिकॉज इट कीप्स यू हाइड्रेटेड. एंड व्हाई एम आई सेइंग आइस चिप्स और कोल्ड वाटर? बिकॉज उससे आपका जो बॉडी है वो कूल रहता है. लेबर मीन्स व्हाट? आई एम वर्किंग हार्ड, इट्स लेबर, राइट? इट्स अ टेक्निकली करेक्ट मीनिंग दैट आई वर्क हार्ड व्हेन आई एम डूइंग लेबर, सो आई नीड टू cool my body down, and that is why that cold water will help. High sugar foods can also be very helpful because sugar se energy boost ho jati hai, right? So glucose water, sweets, glucose biscuit, small pieces of chocolate, full permission, right?
बट अगेन जस्ट रिमाइंडिंग यू चेक विद योर डॉक्टर. क्या हो जाता है कि हम तो शुगर बोल देते हैं बट इन केस यू आर जेस्टेशनल डायबिटीज और समथिंग देन दिस कैन बिकम रिस्की. सो बी वेरी केयरफुल बिफोर यू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शंस. एवरी पॉइंट यू शुड ऑलवेज चेक इन विद द डॉक्टर बिफोर योर डिलीवरी. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. एंड इतना क्यूट सा बेबी है. बहुत सोच के पिक्चर ये लिया है मैंने क्योंकि बर्थ इज अ न्यू बिगिनिंग. व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर व्हाट यू फील लाइक सेइंग इज ओह इज़न्ट इट. बट व्हेन यू थिंक अबाउट लेबर एंड डिलीवरी व्हाट यू फील लाइक सेइंग ओह दैट शुड नॉट बी द केस. लेट्स स्माइल एंड वेलकम इट विद पॉजिटिविटी. ओके एज आई टोल्ड यू देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल ऑफर फॉर यू. सो मॉम्स टू बी की तरफ से ये 500 रुपीज का डिस्काउंट वाउचर विल बी शेयर विद यू बाय द कॉड लाइफ टीम. And that is something which is going to be given to you in about 48 hours when they call you. They will tell you how to redeem this voucher. Also, they will request for a presentation. So maybe you can go ahead and learn all about stem cell banking. Take full advantage of that presentation also. And they will share the recording with you for today's session as well. Now, I also have Dr. Pragna here. Hi, ma'am. Hi. Hi, hi. It was a very good lecture. I think my patient has benefited much. It will help me even to help them during delivery. It's good. It was a very nice session. So it was a nice presentation by Sonali. Now we will go what to do in this corona situation. I feel after almost 6 months has passed and everybody is in a stressful condition. But we always see the things which are more positive rather than becoming stressful and all. So many patients has already delivered who were worried about the corona. And now the patients are coming who have conceived during the corona. They are planning their life in that way. The main important thing everybody is telling, don't go out of the home. And it is really true that we see that the pregnant ladies are becoming corona positive are very less compared to the general population. And that is because they are taking good care. It is really difficult if we become a corona positive during pregnancy because yet it is not the, what are the effect will be on the baby as well as on mother, it is not yet documented. So it is always better that you be corona free throughout your 9 months. The documentation over the corona positive mother in the first, second and third trimester is not yet very clear. But we have seen a patients who are at full term and got a corona positive. For them, the coagulation jo hota hai bache ka, like delivery ke baad jo khun jam jane ki jo paristhiti hoti hai, wo altered hoti hai and paristhiti thodi vikat ho sakti hai. So, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स के कोरोना से बचने के लिए हमको क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर से कम बाहर निकले वो करना है. सेकेंड थिंग व्हेनेवर यू आर इन द होम एंड समबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड योर होम तो यू शुड लाइक कम से कम गेस्ट घर में आए और घर के भी सभी लोग प्रिकॉशंस ले घर से बाहर आने के बाद रेगुलर ब्रीथिंग करे हैंड वॉश करे जो भी चीज आपके घर में आती है बाहर से तो उसके प्रॉपरली सोप वाटर से उसको ठीक से वॉश करके उसका यूज करें. सो स्पेशली जितना भी हम केयर कर सकते इतना करें. बाहर आपको निकलना बिल्कुल नहीं है. सेकंड थिंग की व्हेनेवर यू द एंटीनेटल विजिट टू अस आल्सो वी हैव मिनिमाइज की जितना जरूरी है गाइडलाइन के हिसाब से जितनी बार आपको इधर बुलाया जाए वो भी हम कम से कम इसमें करते हैं. तो मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट वी कॉल व्हेन वी कॉल आफ्टर 1 month 2 months then they are very anxious. So we have given them the facility of video calling and mobile consultation. So that facility is there so you can always take. The second thing is that because now we are not moving out in the and we are very less busy in the other social activities, I think there's a time for you all pregnant lady to move inward towards your baby. You can always have advantage of this time that you can pass your more time with your baby. See, if you see in the olden age when the women are very, very remaining in the home, they used to see good meditation during pregnancy, positive vibrations, chanting, reading a good religious book and that reading a book of all
great when that thought process also have effect on the baby. So rather than worrying and rather than cursing that this corona time, we cannot go out, we are feeling sad and we cannot meet our relatives. So don't go for that negative thing. Rather utilize your time with your baby. Every day you can go for some good meditation, testing for at least 15-20 minutes. You can have a good positive talk with your baby. You can read a good books. And what are the warning signs? When in spite there is a corona, like in the first trimester, I would say, if like what are the warning signs you should reach the hospital? Because nowadays we are calling to the hospital in the first trimester, hardly I will meet you for the one time. So if there's excess of vomiting and you are losing too much of weight, you feel dehydrated, then you can communicate with the doctor. In a second trimester, like after the fifth month, you can feel the movement of the baby. You can start feeling the movement of the baby. If you feel less movement, you should communicate. And in third trimester, the baby is like all the sensitive, baby is more sensitive to the external atmosphere. So you should provide a good atmosphere, positive feeling to your baby. Now I'm talking about if you become a corona positive, what will you do? So the one thing is that when you become a corona positive, don't rush to the hospital. First you communicate with your doctor on phone what they are supposed to do. They will get you some investigation. So you should always in a communication with your obstetrician, and second you should be communication with your physician, either it is referred by your doctor or your family physician. So it is not like you are corona positive and you have to get admitted in the hospital. You have to be under guidance, and every day your pulse, you all should have your pulse oximeter that will tell you what is your oxygen level. And I request all the pregnant lady, everybody should have pulse ox at their home, and you can buy it and keep it. If you become a corona positive, then you cannot search for the pulse ox. So pulse ox will guide a doctor also how, what is your condition. And the day by day the corona is increasing, and by any means you get a corona or nothing to worry, we can treat you nicely. And there are certain medicine which we can easily give in the pregnancy. So once you catch up with the corona, you don't worry, you have to just be in contact with your doctor. Only difficult time is when you are approaching the delivery time. That time you should not get corona, because once you get corona, then the child is equally maybe get affected with the corona, and sometimes you prefer that the baby should be kept away from you, or if you keep it you, then you should wear mask always, and you should not directly come, your mouth should not, your breathing should not come in contact with the face of the baby. So when you reach near the term, you should be more careful about the corona situation and don't get panic about that, but you have to become more positive. Now, like there are many things, say, kaada peena chahiye ke nahi, or there are any immunity booster food, these all are not guaranteed things. These are like test, it is not time tested, it is just assumption that this will help. So don't fall in the truth, I was taking a good diet, I was taking card, and how come I got the corona. So they are not 100% preventing corona. The main thing is prevention is washing your hand frequently, do not touch your face, keep a safe distance, don't go out of the place where so many people are around, don't go for shopping, don't go for buying sabjis and all. That is more effective rather than drinking kada and all this. And now I think we'll switch over to question answer session. Yes, ma'am. So there have been some questions which I have kind of, you know, started typing some answers to. Yeah, but now we will kind of, you know, take over. So there is one question here which says, how do you stay positive in such times? You are not even allowed to meet anyone. So I told you, it's a time to have an inward journey. It's your mind keeping you positive and keeping you negative. It's nothing like that. External factor does not affect your happiness. You can read good books. You can go for a good positive literature. You can read the books of like people who are like you want to make your child be. There are many stories you can read which will be, aap logon ne suna hai ki Abhimanyu has learned that in the mother's womb, it is like you can prove that
we have seen many patients who are really positive and we are happy that everything goes very good with them. So we try to be positive. And right. Now the era of the digital communication is always possible. Right. Okay. So ma'am, there's a question. Can I go for a walk during this corona time? Yeah, you can go for a walk, but as I told you, you should take a good precautions. You should wear a mask. Don't remove your mask in anywhere in the public where so many people are there. When you go out of the home, then you should not touch your lift button and all. You should not touch with your fingers. And if you touch it or if you by happen to touch somewhere, you sanitize your hand properly. And when you come back to a home after a walk, you should take bath. You should take bath with a nice soap and water and drink good water. You can go for, but you should take due care. Right. Okay. There's a mother who wants to know that in which month will the breast start becoming bigger? Since I'm already 8 months and I can only see a small change in my breast size. And the breast size usually start changing very once you confirm with the pregnancy test. You know, the very second or third month of God try to change his body, changes in the breast, it increases in the size and that you notice up to 3-4 months and later on it becomes like a normal size what it is. The size has nothing to do with the breastfeeding, but you should take care that you can see that your nipple and the areola becomes black. You must see that your nipple should be prominent enough so you can feed your baby very nicely. So if your nipples are retracted, it is inside, then you can try to pull it out and you can consult a doctor how to pull it out. There are some like nipple pullers are available. So with the, if you can start doing little early, you can moisturize your nipples. So get ready your nipples for the feeding. That has nothing to do with the size. Yeah, so it doesn't matter. But you know, the nipple pulling exercises, I would suggest please do after week 35 because sometimes excessive stimulation can also result in some preterm contractions. But yeah, Sonali, but I have never seen a such a, like nipple pulling and all that created any patient with the labor. It is true that it can release oxytocin, but the amount of that oxytocin won't be that big that can start with the labor. All right. So I think there is someone who's asking for information regarding breastfeeding. This actually session was targeted at labor and delivery. I have on the screen, I have shared my YouTube channel details. I would recommend just visit that. I have lots of videos there on breastfeeding. That will help you with a lot of this breastfeeding content. One more thing I would like to tell you. The patients are 9 months and they are taking good care about the corona. But once they delivered, now they cannot resist themselves. And it is a time for celebrations. And so many relatives, they'll call and the, like, with the end of the delivery, end of the corona, it's not like that. I have seen within after a month of the delivery, many patients become a positive and it is really very difficult for them. With the baby is there, you already have difficulties in feeding and all that. So please, I'm requesting everyone not to celebrate up to the 3 months of the, like your baby becomes 3 months. Otherwise, within a month of that, then the people are coming positive and it's create a real big issues. Okay. So I think I have a question here is talking about when should you start exercising. I think I've answered this multiple times during the session. Please ask your doctor before you start. In most cases, around 12 to 16 weeks. And she wants to know how walking will help. So I'm showing you with this model. When you're walking, this is how the pelvis is moving, right? So any exercising that is happening for the pelvis is going to help to make the pelvis elastic. Okay? So ma'am, next question is for you. How to have a normal delivery in a twin pregnancy? Yeah, if the twin pregnancy, the both babies weight are average, it is 2.5-2.6 kg. And if the both baby is in a good position, the head down position, and with there is no rest regarding the placenta and all, we can go for a normal delivery with the due precautions. If there is a single placenta, if the position of the baby is not favorable, like one baby, is, the first baby is transverse the, or the breech, then in that case, we go for elective cesarean. The both the baby's head down, average weight, and looks fine, we can go for normal delivery.
Okay. The next question is, can I order sweets and eat? You have to be very careful about your weight and your diabetic status. I can see that there is increasing trend of the diabetes during the pregnancy. Any familial history of diabetes to the parents, one should be more careful. And sweets are preferably I give in the first 3 months of the pregnancy, but the energy level is very low and you want to maintain your glucose level, that time you can take. But after that, just taking a sweet has not much beneficial effects. Yeah, homemade sweets, if you want to take in a third trimester, it's fine, but just ordering sweet, I don't prefer. Okay. All right. Can you tell us something about fetal movements that we should feel in the 8th month? Yeah, usually at the 8th month, like you start feeling the movements from the 5th month onwards. So you know the what kind of a baby is having extra alert or extra like this. So you know how your baby is moving on an average in a one single day. Many patients feels like after eating something, we feel a more movement of the baby. So that's your temperament of your baby. So when you reach at around 8 months, that time the water level is probably highest around the baby. So the movements of the baby will be fine. And at least you can feel 15 to 20 movements per day, that will be fine. And usually by 8 months, the baby will take the position. The head will go down and the legs will be upside. Okay. Can I get a leg massage during pregnancy? Yeah, one can go for massage in the leg massage. Definitely one can go for the massage in the legs. No worries. But the back massage and the abdominal and all, one should be avoided. Yeah, but please practice social distancing. Don't go to spas, etc. Because we don't want you. Never. Yeah. And don't call massage wali at home. But then that also, ma'am, is tough. No, we don't know what their status is. Maybe get the husband. Yeah, don't call. That's what I'm telling. Not to call massage wali at home. But if your husband can massage your leg, it will be wonderful. Wonderful. Perfect. Okay. all the husbands are not going to be very happy with that sentence. No, they will enjoy. They will feel that they are worth doing something for their wife. All right, ma'am, is it okay to do fast walking or must I do only light walk? Only light walk, no brisk walk, and carry always a water bottle with you, with the lemon water, with some glucose whenever you go for walk. Preferably, you should not drink outside, but if something goes wrong, you feel giddy or exhausted, you can have it. Okay. What is the right weight of the fetus in the 8th month of pregnancy? Usually at the 8th month, the baby weight will be around 1800 grams. It will be fine. And then after that, the term it touches to 3 to 3.5. Okay. I feel pain under the ribs when I'm sitting. Why does this happen in the 3rd trimester? Because it's a wrong posture of your this thing when you sit. Usually you do work, like if you're cooking also, you are bended forward. And because the baby weight is there and you are forward bending, so there will be pain in the ribs. So your posture matters. Always do right, like you keep your back straight and with a well supported. Then it will decrease, and sometimes you can apply ice application on that to reduce that pain. Okay. I am in my 38th week and the sonography is showing that my baby's growth is 1 week ahead. So what should I do now? So first of all, you must see that you are not diabetic. If your baby weight is more than what it is expected, that means you are having a large baby. So you must rule out that you are not a diabetic one. Second thing, one, you cut down the sugar and fat intake. So your baby weight will not increase much. You should see for the movements, and the water level around the baby should be measured properly. And you should see the fetal movements, like every per day, at least you should feel 10 to 15 movements. That is sufficient, I think. Okay, all right. Why don't you organize sessions for husbands? Because moms are taking... I used to take that when there's no corona. So they have that madam used to take with the husband only. How the family care for the pregnant lady, what about the husband? We used to take that kind of seminars when there was no corona. It was lovely time. We had a good quiz and... So they like that. We will keep that online. Definitely.
So what would be the weight of twin babies in 7th month? So usually in 7-month baby will be around 1200 to 1500 grams, and if it is a twin, then maybe little less. Around 1 kg, it is fine. Okay. Is one member of the family allowed during the delivery in the hospital? Yeah, up till now I was allowing, but now we are keeping the social distancing even in the labor room. Even I keep a minimum staff in the labor room. So everybody should not get infected. There is equal risk for the patient to get infected from the hospital as well as for the hospital staff to get infected from the patient. So we don't keep, nowadays I don't allow anyone with the patient in the labor room. We will be giving a good support to you. Believe me that. We will give you a good support. Okay. So there's a mother who wants to know which sleeping pillow she should take. You can use your Garka sleeping pillows, I think. Otherwise, yeah, there are many body pillows that are available in the market, C-shape, U-shape. It's very personal choice and comfort. So whatever you think is comfortable, you should go ahead and take that. So I think that was the last question. If anyone has another question, just very quickly put it before I say thank you to ma'am for giving so much of her precious time. I've put all my various contact details like social media, website, etc. Please subscribe to my channel and stay in touch. And ma'am, there's a compliment for you. One of the mothers is saying you are the best, ma'am. Your support is so much needed. Thank you very much. Thank you. So that was by Neha Agarwal. So all the best to all pregnant women. And enjoy your pregnancy. This is only few months of the life is coming. You are becoming pregnant. Right. So give your all positivity to your child. Thank you. Bye. Wonderful. Thank you so much. Thank you everybody for joining us. We hope you learned a lot. And we look forward to seeing you in other sessions in the future. Thank you, ma'am. Thank you for joining us. Thank you for sharing all the wonderful insights. It was indeed a pleasure sharing the session with you. Thank you, mama. Stay safe and stay happy.